मृगवंशी ब्राह्मण समाज के सभी समाज के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं और समाज के वरिष्ठ के साथ में जो भी मेरे समाज बंधु हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं पवन कुमार भार्गव फ्रॉम आवाज़ न्यूज़ 24। कुछ दिनों पहले एक खबर मेरे द्वारा प्रकाशित की गई थी जो मंदिरों को लेकर थी। आपको बता दें कि मोहल्ला डाकोतान बास बदनपुरा मंदिर के अंदर एक शनि मंदिर की जो हालत थी उस मंदिर को लेकर हमने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि आज भी उस शनि मंदिर के पास में शनि मंदिर की प्रतिमा को तो तोड़ी गई है, साथ में आपको बता दें कि प्रतिमा को तोड़ने के साथ साथ में उस मंदिर के आसपास शराब की बोतलें, मीट के टुकड़े, गंदगियां वहां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली। उसके बाद में हमने वहां पे कवरेज की, कवरेज करने के बाद में प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया तो आसपास के लोग और उसी एरिए के हिंदू धर्म के जो व्यक्ति थे जिनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने हमें यह बताया कि जो सबसे बड़ा मेन मुद्दे की बात है, वो मेन मुद्दे की बात ये खुल के सामने आई कि शनि मंदिर के जो सेवादार हैं और वह सेवादार जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था वो खुद ही एकजुट नहीं हैं, तो हम और आप इसमें क्या कर लेंगे। और लोगों की मांग भी है कि यदि इस मंदिर की सेवा नहीं कर पाते हैं तो या तो राजस्थान सरकार के अंदर से सुपुर्द कर दिया जाए या उस जगह कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो लोगों के लिए आसान रहे या फिर उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कहीं और जगह स्थापित कर दी जाए। उसके बाद में मेरे पास में काफ़ी लोगों के कॉल भी आए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौरव घोषिल जी का गोने रोड से, जिनके द्वारा मुझे कल उन्होंने वॉइस ओवर पर बताया था कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है मोहल्ला डाकोतान में सिंह का जो मंदिर है वो मंदिर एक काफ़ी वर्चस्व रखता है और पहले के ज़माने के अंदर मंदिरों का निर्माण इसलिए कर दिया जाता था कि युवाओं को नौकरी ना करना पड़े और उस मंदिर के जरिए वह एक आय का जरिया बना सके। उसके बाद में उन्होंने बताया कि नान बावड़ी पंचायत की कुछ सेवादार थे, उन सेवादार जो उनका सेवा करते थे, मंदिरों की सेवा करते थे तो उस मंदिरों के अंदर जो भी दान आता था उसका वह उपभोग करते थे। अब सबसे मेन मुद्दे वाली जो बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पहले रामोतार जी जो धोली वाले हैं उनके द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई थी महर्षि प्रभु कल्याण बोर्ड की, जिस समय राजस्थान के अंदर आचार संहिता लागू भी नहीं की गई थी, उनके द्वारा बड़ा सार्थक प्रयास किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, दैनिक भास्कर समाचार पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, महानगर टाइम्स, आवाज़ न्यूज़ चैनल भी वहाँ मौजूद था। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बने और उनके कई प्रकार के व्यक्तित्व जो है हमने सुने, बहुत अच्छी उन्होंने पहल की। लेकिन बड़ी विडम्बना का विषय है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मात्र जो है 10 से 15 समाज के व्यक्ति वहाँ मौजूद थे, इसके अलावा समाज का कोई भी वहाँ गठबंधन व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। मेरा आपसे बात करने का जो विषय है वो विषय यह है, हम लोग गोट करते हैं, हम लोग आयोजन करते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, हम लोग समाज के लोगों से चंदा लेकर हम समाज को जिमाते भी हैं, हम समाज को भोजन भी करवाते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह भी करते हैं। लेकिन यदि बात की जाए सनातन धर्म की बात की जाए, जिस शनि मंदिर को लेकर हम पूजा करते हैं, जिसे हम अपना उपासक मानते हैं, उस मंदिरों की यदि हालत खराब कर दी जाती है, उन मंदिरों की यदि मूर्तियां तोड़ दी जाती है, उन मंदिरों की मूर्तियों के साथ में वहां पर गंदगी कर दी जाती है तो समाज का एक भी व्यक्ति सामने नहीं आता है। दो प्रकार की राजनीति, दो प्रकार की नीतियाँ होती है, एक समाज नीति होती है, एक राजनीति होती है। लेकिन समाज के अंदर राजनीति इतना घुल गई है कि लोग अब समाज सेवा छोड़कर इसे राजनीति का एक अड्डा बना दिया गया है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे आदरणीय हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन समाज सेवा के अगर जीवन की अगर बात देखी जाए तो मैंने भी कम से कम जीवन के अपने 5 साल समाज के अंदर दिए थे, तो मैंने उस समय यह देखा था कि इस समाज की हालत क्या है। समाज को सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, समाज को सुधारने के लिए हम लोग कटिबद्ध भी रहते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो छीताखासी जो चलती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उसकी वजह से आज ये भगवंशीय समाज कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व खोता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंच के हम पर हम लोग चिल्लाते हैं, मंच पर हम लोग भाषणबाजी करते हैं, समाज को एकजुट में लाने के लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन देखा जाए एकजुटता की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि समाज के मंच पर केवल वाद और विवाद होता है, समाज के हित की, समाज के विकास की बातें कहीं भी नहीं होती। मंदिरों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि इन मंदिरों की हालत देखने के बाद में कोई भी एक भगवंशीय समाज का बेटा या भगवंशीय समाज का कोई गणमान्य व्यक्ति या भगवंशीय समाज का नेता
आकर वहां पे खड़ा भी नहीं हुआ, और यह भी निकाल गया कि यदि इन मंदिरों को लेकर राजस्थान सरकार को या जो भी देवस्थान विभाग के अंदर हम जाके अपील करें और जाके हम इस मंदिर की सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो भी हमारे से प्रयास होता जाए वो प्रयास हम करें, ताकि हमारा मंदिर हमारा सुरक्षित रहे, सनातन धर्म हमारा बचता रहे और सनातन संस्कृति हमारी बचती रहे। आने वाले रविवार को प्रातः 11 बजे आवाज न्यूज टीवी चैनल के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, उस मंदिर की पूरी सफाई की जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सेवादार हैं या जिन लोगों ने सेवा की है, कृपया आकर अपना श्रमदान करें। पहले तो हम वहाँ से जो गंदगी है उस गंदगी को हटाएं, उस मंदिर को एक बार स्वच्छ बनाएं, और उसके बाद में हम लोग इस मंदिर के बारे में विचार विमर्श करके इन मंदिरों को क्या किया जाना है, जो मंदिर आज गंदगी के अंबार में पड़े हैं उन मंदिरों की किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उसे कैसे संरक्षण दिया जाए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग एक कमेटी का गठन करके और उसके बाद में समाज से गणमान्य व्यक्तियों को वहाँ बुलाकर विचार विमर्श करके उस पर एक बड़ा निर्णय लेने हम लोग चाह रहे हैं। और इस कदम के अंदर आपका सहयोग आपका समर्थन की हमें आवश्यकता है। जय भगवंश, जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।